Hello students, good morning. Say good morning. How are you all? Fine na? Fine ho gaye kyunki ghar pe ho. To bachcho, aap roz videos dekhte ho na jo hum padhate hain. Aap to bahut chote ho isliye main ye itna hard bhi nahi padhati. Aapko easy easy aur aapko samajh mein aaye aisa hi padhati hu. To bachcho aap dekh rahe ho na roz video. To kal humne kya sikha tha? Aapko pata hai? Kal humne ABCD sikhi thi. क्या सीखी थी? एबीसीडी. एबीसीडी में मैंने कौन कौन से लेटर सिखाए थे आपको पता है? तो चलो मैं लिखती हूँ एक बार. कल हमने ए सीखा था, ए फॉर एप्पल. और बी, ए बी. बी फॉर क्या होता है आपको पता है? बी फॉर बेड, बी फॉर बॉल, बी फॉर और क्या होता है? बास्केट भी होता है ना, जो आपकी मम्मा हर रोज सब्जी लेने जाती है तो वो बास्केट ले जाती है, आपको पता है? फिर ए बी और ए सी. क्या कहते हैं? सी. सी फॉर क्या होता है आपको पता है? सी फॉर कैट. जो हमारे घर पे कोई होता नहीं है तो चुपचाप अकेले आके हमारा दूध पी जाते हैं, आपको पता है? सी फॉर कैट. उसके बाद डी. डी फॉर डॉल. डी फॉर डॉल. आपको पसंद है ना डॉल? अभी तो आप छोटे हो इसलिए आप डॉल के साथ खेलते भी होंगे. तो डी फॉर डॉल. ए बी सी डी और इसके बाद आता है ई. ई फॉर क्या आता है आपको पता है? ई फॉर एलिफेंट. एलिफेंट की पता है ना ये कैसे होता है? देखते हैं. तो आई के बाद आता है जे.
इसे हम जे कहते हैं। जे फोर जग, जे फोर जग, जे फोर जोकर और जे फोर जाम। आपको पसंद है ना जाम, जो आपकी मम्मा आपको ब्रेड पर लगा के खिलाती है। जे फोर जाम, तो ये हुआ हमारा कैपिटल जे। उसके बाद आता है के, इसे हम के कहते हैं। ये है हमारा कैपिटल के। के फोर क्या होता है चलो देखते हैं। के फोर काइट, काइट का मतलब तो आपको पता है ना, काइट यानी पतंग। हम जो मकर संक्रांति के पर्व पर हम आकाश में उड़ाते हैं, पता है ना आपको। के फोर काइट। के फोर किंग, किंग यानी तो आपको पता ही होगा, किंग यानी राजा, जो उसके राज में वो सबसे बड़ा होता है, या किंग। और की तो आपको पता ही होगा, जब आप बाहर जाते हो, आप घर पे जो लॉक करके निकलते हो तो की तो आपके पास होती है, तो ये है की। तो के फोर काइट, की फोर किंग और के फोर की। उसके बाद आता है एल, इसे हम एल कहते हैं, कैपिटल एल। एल या एल फोर लायन, पता है आपको ये क्या है, लायन जंगल का राजा, पता है ना। ये शेर है, इसे हम लायन कहते हैं, जो जंगल का राजा होता है। तो एल फोर लायन, एल फोर लोक। ये देखो हमने अभी ही बात की थी, हम बाहर जाते हैं तो घर पे हम लॉक लगाते हैं, लॉक लगाते हैं तो हम चाबी हमारे पास रहती है, तो ये लॉक और ये की। तो एल फोर लॉक और एल फोर आता है लैम्प। ओ लैम्प, लैम्प तो हमारे घर पर होता ही है। तो एल फोर लायन, एल फोर लॉक और एल फोर लैम्प। तो इस पेज में हमने, इस पेज में हमें तीन लेटर दिए हैं, जे के और एल। उसके बाद में आता है एल के बाद क्या आता है आपको पता है, एल के बाद आता है एम, कैपिटल एम। एम, एम फोर मंकी, क्या होता है मंकी, देखा है आपने कभी मंकी। आप जब जूनागढ़ जाते हो तो वहाँ उसके जंगलों में हमें मंकी देखने को मिलता है। लायन तो मिलते ही है पर मंकी भी बहुत मिलते हैं देखने को। तो एम फोर मंकी, एम फोर मैंगो। ये मैंगो, अभी तो मैं अभी अभी ही मैंगो की सीजन गई है, तो आपको पसंद है ना मैंगो, तो ये है एम मैंगो। तो मैंगो, मैंगो कौन से लेटर से शुरू होता है, एम से, यानी कि एम एम फोर मैंगो। उसके बाद आता है एम फोर मैन, जो मैन, मैन यानी कि पुरुष, जो स्त्री होती है हम उसे विमेन कहते हैं, और मैन है और पुरुष होते हैं उसे हम मैन कहते हैं। तो एम फोर मंकी, एम फोर मैंगो और एम फोर मैन। और ये हो गया हमारा एम। तो एम के बाद आता है एन, ये है एम और ये है एन। एन के बाद एन से क्या होता है चलो देखते हैं। एन फोर नट, पता है आपको नट क्या होता है, नट एक ड्राई फ्रूट है जो हम मिठाई में डालते हैं। तो एन फोर नट, एन फोर नेट, जो बटरफ्लाई या मॉस्किटो को पकड़ने में काम आता है। एन फोर नेट और एन फोर नेस्ट, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये नेस्ट है, यानी कि इसे हम घोंसला कहते हैं। जो बर्ड्स होते हैं ना वो इसमें अंडे रखते हैं, ये बर्ड्स का घर है, नेस्ट। तो ये ए हुआ हमारा एन। तो एन फोर नॉट, एन फोर नेट और एन फोर नेस्ट। उसके बाद आता है ओ, ओ फोर आउल, ओ फोर ऑरेंज, ओ फोर ओनियन। तो बच्चों देखो
ये है कैपिटल ओ। ओ ओ फॉर आउल, ये एक बर्ड है जो नाइट में ही उसको दिखता है। वो दिन भर सोते रहता है और नाइट में जगकर देखता है, तो ये है आउल। ओ फॉर ऑरेंज, आपको पता है ना ऑरेंज क्या है? ऑरेंज एक फ्रूट है, मुझे तो बहुत पसंद है वो ऑरेंज। और ओ फॉर ऑनियन, जो एक वेजिटेबल है, पता है ना आपको ऑनियन किस में आता है? ऑनियन आता है वेजिटेबल्स में। तो बच्चों आज हमने ये दो पेज में जो लेटर है वो सीखे। तो आज हमने क्या सीखा, एक बार फिर से देखते हैं। जे के एल एम एन ओ, ओके बच्चों। लेटर को समझना, लर्न करना, ओके? आज के लिए इतना ही काफी।